अभी हम लोग सफारी पे चल रहे हैं और हमारे साथ जो पार्क गाइड हैं भाई साहब, इनका नाम रवि है, ये साइड में बैठे हुए हैं, इधर आप देख सकते हैं। हेलो। अभी मैं इनसे बात कर रहा था, जो भी लोग वीडियोस देखते हैं मेरे ऑडियंस का, कि ये सही समय नहीं है आने का, क्योंकि मॉनसून में मुझे ऐसा पता था कि नेशनल पार्क जो है मोस्टली बंद रहते हैं, और इंटरनेट पे भी ये दिख रहा था कि 10 अक्टूबर को ओपन होंगे, तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं सर, कोविड के कारण बीच में बंद रहे 2 महीने, देन उसके बाद हमारा ओपन हो गया। और कॉर्बेट में झिरना ढेला जो हमारे जोन है, ये साल भर ओपन रहते हैं अगर हैवी रेनफॉल नहीं होता। ओके। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिवर नहीं है। अच्छा, सिर्फ बारिश का ही पानी से प्रॉब्लम्स होता है, अदरवाइज पार्क खुला रहता है हमारा। ओके, तो मतलब साल भर आ सकते हैं कभी? साल भर आप यहाँ पे आ सकते हैं, बट मेन हमारा जो सीजन जिसमें हमारे सारे के सारे जो पार्क के जोन्स हैं वो खुले होते हैं, वो 15 नवंबर से मिड 15 जून तक खुले रहते हैं। ओके ओके। और यहाँ पर बेसिकली टाइगर रिजर्व तो है ही, ये जैसा कि जिस नाम से फेमस है, उनके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं? उसके अलावा सर यहाँ पे एलिफेंट्स है, बेयर है, लेपर्ड है, मंकी है, डियर है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं, मैंने जितना नोटिस किया है, मैं जितना लोगों से बात की है, कि यहाँ पे लोग एनिमल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन फॉरेस्ट की जो मेन चीज़ है फ्लोरा यहाँ का जो है कि वेजिटेशन है, यहाँ पे कौन कौन से स्पीसीज ऑफ ट्रीज देखने के लिए मिलते हैं? देखिए, कॉर्बेट तो वैसे भी बायोडाइवर्सिटी के मामले में काफ़ी रिच है। यहाँ पे काफ़ी 65% जो हमारे यहाँ वेजिटेशन है वो है साल का है। हाँ। साल के पेड़ आपको यहाँ पे देखेंगे, जैसे पीछे हमने देखे थे। हाँ। देन उसके बाद 35% में हमें अदर मिक्स ट्रीज हैं, जिसमें हमारा हरड़ा है, बहेड़ा है, आंवला है, तिलखन है, बाकुली है, ये सारे अदर ट्रीज हैं, हल्दू है, बरगद है, पीपल है, ये सारे हमारे यहाँ ट्रीज पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर कोई ऐसा भी एनिमल मिलता है जो आप किसी पूरे इंडिया में कहीं और ना मिलता हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा है कोई रेयर। यहाँ पे वही एनिमल्स हैं जो यहाँ के नेटिव हैं। ओके। यहाँ से कहीं से ला के यहाँ छोड़े गए नहीं है। ओके सो इसलिए थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट होता है टाइगर को देखना, क्योंकि देखिए कोई भी एनिमल्स, या फिर अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर तो वैसे सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहता है। तो अगर वो एवरीडे दिखेगा तो फिर वो इतना इजी हो जाएगा कि लोग उसको देख के भी ऐसा सोचेंगे, फिर वो क्रेज नहीं रह जाएगा। सो फिर दूसरा क्या है कि टाइगर लेजी रहता है, सॉलिटरी होता है, तो डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट पे। अभी देखिए आगे हम लोग मंकीज देख रहे हैं, मंकी अच्छा, टाइगर्स का मेटिंग सीजन कौन सा होता है? देखिए वैसे अगर हम लोग मेटिंग की बात करें तो टाइगर का मेटिंग सीजन राउंड ऑफ ईयर ही होता है। ओके। मोस्टली विंटर में आप उनको आपको ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर आप विंटर में हमारे यहाँ पे आएँ तो आपको टाइगर बोलते हुए भी मिलेगा। अच्छा रवि जी, आप बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बस लास्ट सवाल ये बता दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइगर्स कितने हैं? सर हमारे कॉर्बेट में नंबर ऑफ़ टाइगर जो लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग 252+ हैं। Okay. और अभी एवरी 3 to 4 years में हमारे यहाँ सेंसस होता है, हमारे यहाँ के इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं सभी जगह सेंसस होता है। अभी 21 और 22 में सेंसस की तैयारी चल रही है सर। अच्छा अच्छा, कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि कोई नई खुशखबरी आने वाली है परिवार में कोई और टाइगर आने वाला? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी बड़ा जंगल है, सभी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और क्योंकि जब सीजन हमारा एंड होने वाला था कोविड से पहले, तो काफ़ी सारे कॉर्बेट में फीमेल्स हैं जिनके साथ कप्स हैं, जैसे आप डिकाला की बात करें तो डिकाला में भी ग्रासलैंड में जो फीमेल है उसके साथ कप्स हैं। और अगर हम झिरना की बात करते हैं तो झिरना में भी यहाँ पे फीमेल के साथ कप्स हैं, बाकी अभी हमें ढेला में भी कोई कप्स दिखे नहीं है। ओके। तो हम लोग स्टिल वेट कर रहे हैं कि अगर ढेला में अगर ऐसी कोई खुशखबरी मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे ढेला जोन के लिए। ओके, होपफुली कुछ बढ़ते रहे टाइगर्स। थैंक यू सो मच रवि जी। वेलकम सो मच सर। तो ये थे हमारे पार्क गाइड मिस्टर रवि, और बहुत अच्छी जानकारी थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी अभी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, कुछ स्पॉट करते हैं तो आपको भी दिखाएंगे।